आरजेडी में पाटलिपुत्र सीट को लेकर शुरू हुए विवाद को ठंडा करने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव के आवास पर तेज प्रताप और तेजस्वी की मुलाकात हुई। लंबे समय के बाद दोनों भाइयों की मुलाकात के दौरान पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर तेज प्रताप ने कहा कि यह अर्जुन और कृष्ण की मुलाकात थी। तेजस्वी के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी को बधाई और जीत का आशीर्वाद दिया। पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर आरजेडी में मचे घमासान पर पार्टी की ओर से डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई। राबड़ी देवी ने भाई वीरेंद्र से मुलाकात की। भाई वीरेंद्र ने राबड़ी के सरकारी आवास में जाकर अपना पक्ष रखा। मुलाकात के बाद भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू प्रसाद के जेल से बाहर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश पर्व की तैयारियों के जायजा लेने के क्रम में कंगन घाट स्थित टेंट सिटी का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने भूमि को समतल करने को कहा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साफ सफाई, शौचालय, एम्बुलेंस की व्यवस्था, वेंटिलेशन का प्रबंध, मच्छरों से बचाव के लिए नेट का प्रयोग और रोशनी की समुचित व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश दिया। पटना में अचानक बढ़ी कनकनी और मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए पटना डीएम कुमार रवि ने स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी है। डीएम ने घटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों को अब 9 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है। मेगा शो कौन बनेगा करोड़पति के दिलचस्प सवालों और अमिताभ बच्चन की प्रभावपूर्ण संवाद प्रस्तुति की दुनिया मुरीद हो गई है। कम ही लोगों को पता होगा कि केबीसी के प्रश्नों और संवाद की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति के पीछे बिहार के बेगूसराय की एक बेटी अर्चना शर्मा की प्रतिभा काम कर रही थी।